देखिए ये दुनिया वालों कहती है ये तालिबान इस तरह है उस तरह है, हम तालिबान है, हम आपको क्या किया? वो हमारे यहाँ पर दिवाली होती है तो वो दिवाली में वो पटाखों की बंदूक आती है वो बच्चों वाली, तो वो चलाई है मैंने से। अभी ये असली वाली है, ये चला के देखूंगा। चलो चलो दो तीन। अरे बाप रे। Welcome back to the channel, guys. Once again, Travel Sampranav reporting live from Mazar-e-Sharif, Afghanistan, with Chacha. What's your name, Chacha? Name is Shazmiya. Name. Korban Shah. Yes. Korban Shah. Wow, bhai, ekdam nawab wala naam hai. तो भाई मज़ार-ए-शरीफ को तो हमने एक्सप्लोर किया, बढ़िया सिटी थी, काफ़ी फेमस है ये सब कारपेट्स। सलाम वालेकुम। कारपेट्स वगैरह के शॉप है यहाँ पर। सिटी को एक्सप्लोर किया हमने, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज़ रहेगी ये अफ़गानिस्तान की। और यहाँ से उज्बेकिस्तान जो कंट्री है एंड तजाकिस्तान जो कंट्री है उसकी बॉर्डर काफ़ी करीब है। तो आज मेरा प्लान है कि भाई मैं उज्बेकिस्तान के बॉर्डर के यहाँ पर जाऊँ और वहाँ के विलेज वगैरह एक्सप्लोर करूँ, देखूँगा कि भाई उज्बेकिस्तान बॉर्डर और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर लाइफ कैसी है। और ये क्या है भाई, ये सब बड़े बड़े कारपेट्स है। दिस आर कारपेट्स और व्हाट इज़ दिस? As Hindustan. Hindustan. Oh. Hindustan. मतलब बॉलीवुड इश्क़ है ना, जो रितिक रोशन, ग्रीक गॉड रितिक रोशन है। यस। तो भाई अंकल कह रहे थे कि मैं इंडियन नहीं लगता हूँ, काफ़ी लोगों को थोड़ा स्टीरियोटाइप है इंडियन कैसे दिखते। भाई हमारे इंडिया में हर किस्म के लोग हैं, गोरे सांवले छोटे लंबे, यू नो फेस डिफरेंट टाइप। भाई नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग दिखते हैं, साउथ के अलग है। इंडिया मतलब डाइवर्स है, बट मीडिया और स्पेशली हॉलीवुड की मूवीज़ ने इंडिया को ऐसा रिप्रेजेंट किया है कि भाई इंडियन बस एक ही टाइप के होते हैं, गरीब है ये वो। बट मुझे एक अच्छा लगता है कि भाई मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, और जब भी मैं रिप्रेजेंट करता मैं हमेशा इंडिया की इमेज चेंज करना चाहूँगा और इम्प्रूव करना चाहूँगा, और जो जो लोगों के दिमाग में स्टीरियोटाइप्स है अबाउट इंडियंस उसको मैं बदलने की कोशिश करूँगा। इधर बजाज वगैरह की रिक्शा है, बजाज रिक्शा। सलाम, हाउ आर यू माय फ्रेंड, दोस्त। भाई इधर बजाज की रिक्शा काफ़ी पॉपुलर है, सो वी आर टेकिंग रिक्शा नाउ टू द स्टेशन और टू द अच्छा टू द स्टेशन, कोई बात नहीं। चलो भाई, सिटी में रिक्शा काफ़ी चलती है। हेलो सर, हम रिक्शा ही लेंगे। ब्रो कम फ्रॉम दैट साइड। तो हम मेन स्टेशन पर जाएंगे और फिर वहाँ से टैक्सी लेके बॉर्डर तक और गांव वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। सलाम, हाउ आर यू? सलाम सलाम सलाम, हाउ आर यू? लेट्स गो। इंडिया। यस यस, मेड इन इंडिया। और ये भाई मज़ार-ए-शरीफ का बाजार। भाई ये है टैक्सी नंबर 2, हम लोग ले गए। शेयर टैक्सी का कंसेप्ट है यहाँ पर, और पब्लिक पूरी। यस, यू हैव टू सिट इन बिहाइंड। ओके, इट्स फाइन विद यू सिट हियर। यस, नो प्रॉब्लम। सिट इन फ्रंट। यस, नो प्रॉब्लम, चलेगा भाई। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं कि आगे बैठूं पीछे। मेरा नाम प्रणव है। प्रणव 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 जी। तो भाई अभी ये शेयर टैक्सी करके हम लोग जा रहे हैं, हम तीन और ये भाईजान। भाई आपका नाम क्या है? मेरा भाई नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, कहाँ से हो भाई आप? मेरा भाई हैरतान से। हैरतान, क्या बात है, क्या बात है भाई। और ये भी भाई एक बैठे, एडजस्ट करके तीन लोग आगे और तीन लोग पीछे। तो भाई ये है स्टॉप नंबर 2, हम लोग आ गए हैं उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। ये भाई हमें लेके आए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। झंडा है ना, उज्बेक का झंडा है, ये भारत का झंडा है, ये सफेद भारत का झंडा है। हाँ, वो सिरंगा उज्बेक का झंडा है, उज्बेकिस्तान का झंडा है। तो ये भाई अफगानिस्तान का नया फ्लैग है, वाइट वाला तालिबान का फ्लैग, एंड उसके बाजू में उज्बेकिस्तान का फ्लैग। और ये ब्रिज है, ब्रिज के उस पार उज्बेकिस्तान। भाई उज्बेकिस्तान भी जाऊंगा एक दिन, वो भी लिस्ट
वो भी कंट्री मेरे लिस्ट पर है, अगर आप चाहोगे कि मैं उज़्बेकिस्तान विजिट करूँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आप क्या चाहते हो। तो भाई वो उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तो हम जाकर आए, और ये अब्दुल्ला भाई थे वो भी इसी तरफ जा रहे थे, तो इन्होंने अभी हमें उनके घर पर बुलाया। ये उनकी खेती है भाई, फार्म है और पेड़ है। अब्दुल्ला भाई जान, ये फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, नाम क्या है इनका? इसका जरदालू बोलता है। जरदालू? हाँ जरदालू बोलता है जी। तो आपकी खेती है इसका? इसका मैं एरिक बोलता है। एरिक बोलता है, अच्छा। ये बहुत अच्छा जायकेदार है ना, आपका खा दिया ना अभी? हाँ हाँ, अभी मैं ये फ्रूट ट्राई करके देखता हूँ भाई कैसा है। थोड़ा बहुत पीच जैसा दिखने में लग रहा है मुझे, बढ़िया लग रहा है। तो ये पानी से धो लेंगे पहले। ड्राई खुश्क, बढ़िया है, मस्त फ्रूट है ये। थोड़े से स्वीट्स गन, ये तालिबान। अच्छा तालिबान आया, ये तालिबान में आपके भाई? अरे भाई ये तो क्लाइमैक्स है, दिस इज क्लाइमैक्स। मुझे पता नहीं था कि इनके भाई तालिबान में। अरे आखिर नफर गाफिलगिर में के कौन डर रही तो बंजारा ये। अरे भाई अभी पता चला आप तालिबान में भाई। कुछ ये लोग बोलती थी ये तालिबान इस तरह वो किलर है, ये वो इस तरह करते है, उस तरह करते है, लेकिन हम तालिब लोग है। देखे हम भी ये तालिबान के टाइम पे दुबई भी गए हैं, सऊदी भी गया हुआ है, ताजिकिस्तान में भी गया हुआ है, इंडिया भी गया हुआ है, पाकिस्तान में भी गया हुआ है, सारे मुल्क हम ट्रिप किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कुछ नहीं किया दुनिया में, दुनिया लोगों के साथ अच्छी तरह तलुक किया है, अच्छी तरह यानी रफ्ता मत किया है, अभी यही हालत में पहुंचे है। आप देख रही हो तालिबान कैसे है, ये इमारत इस्लामी का बंदा है, इंसान है, इंसान है, इंसान है, और लोगों की तरह। थैंक यू भाई, इन्होंने इतना इनवाइट किया, ये सब एप्रिकॉट वगैरह खिलाया भाई, बगीचा भी बड़ा अच्छा है आपका। मैं भी हम तुजार था, तुजार बिजनेस करता था, शुमाल अच्छा, ये कालीन ये मेरा ये बिजनेस का कालीन है। अच्छा ये कारपेट, 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 अच्छा कारपेट का बिजनेस है आपका? कारपेट का बिजनेस है मेरा। अच्छा हम मैं दुबई में गया था, सऊदी अरबस्तान में भी गया था, हिंदुस्तान में कई दफा गया था, ताजिकिस्तान में कम से कम 10 मरतबा हम गया हुआ है। हिंदुस्तान में कौन से शहर में? सिर्फ दिल्ली में गया, दिल्ली में गया, दिल्ली में। अच्छा दिल्ली बढ़िया, दिल वालों का शहर, दिल वाल के शहर, दिल वालों का शहर है दिल्ली, उधर भी गया था। और ये बच्चे है आपके? मेरा बच्चा है अब्दुल गफूर नाम है। और ये आपकी बेटी? मेरी बेटी है। नॉर्मल लाइफ है ये तो नॉर्मल लाइफ है ये, आप देख रही हो। गन फिर आप घर पे रखते हो क्या? हाँ अभी घर पे रखा हुआ है। अच्छा एक बार चला सकता हो क्या मैं पहाड़ों में कहीं? क्यों नहीं, ये भी चला सकते हैं आप। हाँ। ये भी चला सकते हैं। एक 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 बार AK-47 वही चलाने की इच्छा थी, कहाँ पर चला सकते हो? जहाँ भी हो चला सकते, एक मरमी या दो मरमी चला सकता हूँ। अच्छा लेकिन ज्यादा नहीं। चल अभी एक इमारत इस्लामी में बंद किया हुआ है, फिर भी आप बाहर से आए हुए मेहमान हैं जी, आपके लिए एक बार गोली चला देता हूँ। चलेगा चलेगा, मैं चला सकता हूँ? आप भी चला सकते? चलेगा चलेगा, ठीक है मैं रेडी करके देता हूँ, चलाओ। ठीक है ठीक है, इसमें चलाते हैं या इसमें चलाते हैं? नहीं बड़े में मजा आएगा, बड़े में मजा आएगा। मैंने कभी हाथ में मतलब चला ही नहीं बंदूक। अच्छा। ना छोटी ना बड़ी वो। अच्छा। हमारे यहाँ पर दिवाली होती है। अच्छा। तो वो दिवाली में वो पटाखों की बंदूक आती है, वो बच्चों वाली। हाँ। तो वो चलाई है मैंने, और पिचकारी वाली बंदूक वो चलाई। अभी ये असली वाली है, ये चला के देखूंगा। ये देखिए आप। अच्छा ये लोड हो गए। अच्छा ये मुरा खाया गया जो हमें तीन मुनफरद बने के दरबान। अच्छा मैं गिरफ्त में आ गया। अच्छा गिरफ्त अभी आप चला सकते हैं। अच्छा इसके अंदर में हवा में नहीं, कैसा इधर कैसा इसी से पकड़ो। हां इधर से खुद भाग के तकन में तैरा।
ये अभी टच करो क्या इधर, टच ना करो, ये बहुत वो करता है, ये ताकोन में थे तो पास बिल्कुल, और देखो क्या ये गन की तरफ या ऐसे ही चला दूं हवा में, ऐसे ही चला मुश्किल नहीं है, फायर वगैरह कुछ नहीं आएगा ना, नहीं 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 टेक इट टाइट, चलो चलो दो तीन अरे बाप रे, कान सुना पड़ गया मेरा, कान सुना पड़ गया, एक दो में इस तरह हो जाते हैं, अरे बाप रे, ये लो भाई अरे जबरदस्त डेंजरस ब्रो, हो अभी दिल मेरा धक धक कर रहा है दोस्तों, कान बज रहा है, और ये अच्छा ये गोली है, अरे इंटरव्यू ले लेना आप हमसे, अरे बहुत बहुत शुक्रिया यार भाई आपका, इसी तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह जी 7 जुबान आते हैं हमको, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ ये 7 जुबान से, इंग्लिश इंग्लिश तुर्की तुर्कमन उज़्बक फारसी दरी 6 और उर्दू भी आता है, पश्तू भी आता है, और हिंदी भी, हिंदी उर्दू सेम है भाई, सेम ये मुतब्दीन भी सेम, हाँ हाँ काफी हद तक सेम है, सही है भाई, सही है यार, बहुत अच्छा लगा, आप देखिए ये दुनिया वालों कहती है ये तालिबान इस तरह है उस तरह है, हम तालिबान है, हम आपको क्या किया, और गोली भी चला रही थी क्या भाई, मेरी ये मरने से पहले एक ख्वाहिश थी कि मैं एक बार तो भी गोली चलाऊ, तो भाई एक बकेट लिस्ट मेरी पूरी कर दी है तालिबान भाई साहब ने, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू अब्दुल्ला भाई, आपने इनविटेशन दिया आपके घर पर, इनको मैं टैक्सी में मिला और घर पे ही बुला लिया इन्होंने, एंड ब्रो जवाद जवाद ब्रो फ्रॉम स्कॉटलैंड नेबर नेबर यस, व्हाट डू यू ग्रो इन योर फार्म्स, crops, grapes? Yeah, grapes for the animals. For our animals. Yeah, this fruit tree. Some of them take it, but some of them didn't take it because they are young. They didn't take it for this year, but the grapes. Yes. Take it, but they didn't cook it up now. They are not ready for eating. Yes. इनके अंगूर के बाग है, अंगूर वी कॉल इट अंगूर इन हिंदी, हम भी अंगूर आप भी अंगूर, सही है भाई, काफी वर्ड सेम है पर्शियन और हिंदी में, ओरिजिनली बहुत सेम था, अभी तक हम लोग के बीच में इंग्लिश आ गया, आप लोग के बीच में इंग्लिश आ गया, जरा अलग हुए ना, अलग हुए यार, सही है यार, हम लोग जुड़े हुए हैं, वी आर ब्रदर्स, बस बॉर्डर एक है खींच दी है, बट हम लोग सेम ही इंसान है, सेम ही इंसान है, इसीलिए हम आपने मेहमान है, इसलिए आपने गोली चलाने दिया, लेकिन हमसे कोई कुछ कुछ हुआ उनको भी बताता हूँ, लंदन से आया मेहमान है मेरा, इसीलिए हम आपसे माजरत चाहता हूँ जी, एक गोली चला के दिखा आया, चलेगा भाई, गोली चलानी बिल्कुल बंद हुआ है इस्लामी आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये इंसान से आप पूछ सकती है, कि ये अफगानी से पूछ सकती है, जिधर से ये गन का आवाज जिधर से नहीं मिलते अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल न गन का आवाज है न और कोई आवाज अभी इसी तरह नहीं आता है, पूरा बैन है, अभी बंद हो गया है, सिक्योरिटी एकदम अच्छा है अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सिक्योरिटी और कुछ के लिए भी, ये चोरी वगैरह भी गुम हुआ है, ये पुदरी लोग हुए लोग है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 90% गुम हुआ है, अच्छा ये और बंदा को चोरी करते है थी वो छोटी लोग छोटी बच्ची को भी चोरी करके जाते है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इमारत आने के बाद ये भी गुम हुआ है, सब बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोई गोली कोई नहीं, अब शायद ये गोली का गन आवाज नहीं सुना हुआ है, नहीं सुना नहीं एक भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये गन का आवाज बिल्कुल बंद हुआ है, हम भी शुक्र गुजार हो सारी दुनिया से भी शुक्र करता हूँ, क्योंकि इन्होंने इमारत इस्लामी को भी हेल्प किया है, इमारत इस्लामी भी रूल्स इनके लिए बराबर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इमारत इस्लामी भी इनके साथ साथ चलता है, लेकिन आप दिखा हुआ है कहीं कौन सी प्रोविंस पे आप जाए यही हिसाब है,
ये प्रिवेंस इस तरह ये वो उसमें जंग जदल है कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई प्रिवेंस में अल्हम्दुलिल्लाह सरता सर अफगानिस्तान में ननाल भी पेशक जी आरामी हुए है अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। भी आप पूछ सकते हैं, बड़े लोगों किसी भी पूछ सकती है, जवानों से भी पूछ सकती है, स्कूल्स पढ़ती है स्टूडेंट्स से भी आप पूछ सकती है, लेकिन वो लोग कहती है ये इमारत इस्लामी आने के बाद यही हुआ है वही हुआ है ये लेडीज का ये स्कूल जाने का नहीं छोड़ती है, इनका और मकसद है अपने हाथ को नीचे लाने भी कोशिश कर, लेकिन अफगानिस्तान का लोग आजाद लोग है, आजाद लोग ये आजाद लोग है, आजादी ले लेते हैं। आपने देखा हुआ ये 20 साल में किधर किधर से लोग आए है, हर मामले से एक बंदा खड़ा है ये मैं वो करता हूँ ये मैं करता ये करता हूँ, लेकिन आखिरी में क्या हुआ, अफगानिस्तान का लोग अफगानिस्तान का कुछ कर सकते हैं, अभी करके भी दिखाया है, आप दिखा हुआ है ये, आप इधर एक साल भी रही एक ये गन का आवाज भी नहीं सुनती है, कहीं छोड़ी भी नहीं है, और ये बदमाशी बिल्कुल खत्म हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये इमारत का बंदा हूँ, ये पॉलिटिक्स का बंदा हो, ये गवर्नमेंट का बंदा एक ही तरह चलता है, कोई किसी के साथ ऊपर ही नहीं कर सकते। जी, जी, जी। ये मोहम्मद जवाद मेरा हमसाया है, हम मुजाहिद है जी। ये गवर्नमेंट में काम करते हैं और दूसरा कोई नहीं करता है, सब हम एक ही चलते हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इंसान किसी से ऊपर नहीं, बराबर बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मालिक हो जो मालदार हो जो गरीब हो सब यही चलते है, मेरी नजर में भी यही है, आप और सब लोगों से भी पूछ सकती हूँ। वो तो है, फर्क मुझे खुद को दिखता है भाई, जो जो दिखता है वही बिकता है। पहले मैं बाहर से मीडिया से देखता था कि अफगानिस्तान ऐसा है, लोग बोलते थे, मैंने जब लोगों को कहा कि मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ, लोग बोल रहे शायद हम आखिरी बार तुमसे मिल रहे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमें याद आएगी, बट यहाँ पर अलग है सिचुएशन, पूरा अलग है यार, सेफ्टी फील हो रहा है, मुझे घर जैसा लग रहा है, और अफगानिस्तान के लोग भी बड़े प्यारे, इंडिया से बड़ा प्यार करते हैं, भाई मानते हैं, और जहाँ पर भी मैं गया हूँ हमेशा मुझे मेहमान दोस्त कह के पुकारा है, और हमेशा बड़े रिस्पेक्ट से मेरा स्वागत किया है। ये जी अफगानिस्तान का लोग थोड़ा सा ये अभी इक्तिसाद का मसले से थोड़ा अफगानिस्तान का लोग परेशान है जी, और कोई परेशानी नहीं रह गए, नहीं जल जदल है, नहीं कोई उससे ऊपर ऑफर है, नहीं कोई बदमाशी कर सकते है जी, सिर्फ ये हर लोग अपनी रोजी के लिए जहमत करता है जी 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 जी। हम लोगों का उम्मीद ये भी है आइंदा भी इस तरह हो जाए, अपने के लिए अपने घर के लिए कमाए लोग, क्योंकि पहले टाइम था एक घर में एक बंदा मुजाहिद था, एक बंदा गवर्नमेंट के साथ काम करता था, ये भाई भाई के साथ लड़ाई था, घर में भाई बहन के साथ लड़ाई था, और बीवी अपने शोहर के साथ लड़ाई था, इस तरह था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब खत्म हुआ है। अभी कई लोग बोलती है ये तालिबान आने के बाद इस तरह हुआ इस तरह हुआ, वो भी खत्म हो जाता है इंशाल्लाह, उन्होंने भी ये इमारत का मजा देता है, फिर उनका पता होता है जी। एक साल में या दो साल में बड़ी मुमलकत है ना जी, इसको एक मिनट में सफाई नहीं कर सकते हैं कोई, वो तो है इंशाल्लाह, थोड़ा देर लगता है, हाँ देर लगता है इंशाल्लाह, ये सब उन्होंने भी वो भी हमारा सिस्टर है और भाई है जो कहती है इंशाल्लाह, वो भी राजी भी हो जाते हैं इंशाल्लाह, इसका मजा देख के वो भी हमसे भी ज्यादा होता है इंशाल्लाह। तो भाई इसी के साथ वीडियो भी एंड करता हूँ, काफ़ी बढ़िया टूर रहा, ये विलेज गांव नियर अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर, और विद हमारे भाई साहब फ्रॉम तालिबान सैयद मोहम्मद हसन, इनके वजह से मैंने आज पहली बार लाइफ में गन चलाया, शुक्रिया भाई मुझे आपके घर पर इनवाइट करने के लिए भी, और अपने दो पंटर लोग दोस्त लोग तो है, एंड ऑल्सो माई ब्रदर फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड भाई ऐसी धमाकेदार अफगानिस्तान से वीडियो आती रहेगी, तो बताना अफगानिस्तान सीरीज़ कैसी लग रही है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, ट्रैवल संपन्न, साइनिंग आउट।